हेलो फ्रेंड्स, यस्टरडे वी सॉल्व क्वेश्चन एफ जी एंड एच एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब? अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट to complete its action is called a transitive verb. Once again I repeat, a verb that needs an object to complete its action is called a transitive verb. मतलब एक ऐसा verb जिसको उसकी action, उसकी क्रिया complete करने के लिए object की ज़रूरत होती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रियापद, मतलब उसको कर्म की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई मेड द बेड है ना, मैंने बेड बनाया। अगर सिर्फ ऐसा सेंटेंस हो, आई मेड द बेड जो है ऑब्जेक्ट वो नहीं है, तो क्या आपको पूरा क्रिया समझ में आई, पूरा अर्थ उसका प्रेरित हुआ? आई मेड नहीं हुआ, तो आई मेड द बेड, तो इससे हमको ये क्रिया कंप्लीट होती है, उसका मीनिंग समझ में आता है ना। हियर द वर्ब मेड नीड्स द ऑब्जेक्ट बेड टू कंप्लीट इट्स एक्शन। The sentence would be incomplete without the object bed. अगर bed नहीं होता तो incomplete होता sentence, है ना? Verbs that do not require an object to complete their action are called intransitive verb. तो इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के। शी मेड अ केक। सिर्फ शी मेड, उसने बनाया, क्या बनाया फिर? शी मेड अ हलवा और अ केक, तो अ केक के बिना हमको ये क्रिया कंप्लीट नहीं होती, मीनिंग कंफर्म नहीं होता, तो शी मेड अ केक, तो मेड जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ओके, देन द मैन लव हिज चिल्ड्रन, है ना? तो ये जो सेंटेंसेस है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ मैं आपको कुछ वर्ब्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि जो हमेशा ट्रांजिटिव ही आते हैं, जैसे कि ब्रिंग, कैरी, क्लाइम, गिव, हिट, मेक, टेक एट्सेट्रा। ओके, तो ये आप लिखे ले लो सब। अब हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट to complete their action are called intransitive verbs. ऐसे verbs कि जिनको अपनी क्रिया पूरी करने के लिए object की ज़रूरत नहीं होती, object की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? intransitive verbs. जैसे कि children cry sometimes, dogs bark, the sun rises every day. तो ये जो है intransitive verbs के example है जिसमें object नहीं है। ओके, अगर आप बोलोगे dogs bark loudly ऐसा लिखा तो loudly adverb है। ओके, some verbs do not express an action but need a word or words after them to make complete sense. जैसे कि कुछ कुछ वर्ब जो होते हैं ये
do not express an action. ये क्रिया दर्शाती नहीं, but need a word or words after them. पर उनके बाद एक शब्द लगता है या फ्रेज लगती है कंप्लीट सेंस होने के लिए. ओके, मीनिंग कंप्लीट होने के लिए. जैसे कि आई एम स्लीपी. आई एम व्हाट? आई एम स्लीपी. एम के बाद स्लीपी लगा है. ही सीम्स अ बीट नर्वस. ही सीम्स व्हाट? अ बीट नर्वस. हियर एम सीम्स डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट सो दे आर नॉट ट्रांजिटिव वर्ब्स. However, they do not make sense by themselves. Such verbs are called incomplete verbs. Am, is, where, looks, appears, smells, and tastes are some incomplete verbs. Okay, you should recite all the incomplete verbs. Once again, I repeat. Am, is, where, looks, appears, smells and tastes are some incomplete verbs. So, okay, let's see some examples of intransitive verbs. Okay, please sit. So here is no object, so sit is the intransitive verb. Okay, dusra, he is laughing. Here also in this sentence there is no object, so this laughing also intransitive verb. Okay, look at some verbs, some intransitive verbs you should write down in your notebook. Cry, die, laugh, live, run, go, come, sit, sleep, stand, etc. These all verbs are always intransitive. Okay. So, I hope you are understand transitive verb and intransitive verb. Thank you.